तो दोस्तों यार आपने देखा होगा यूट्यूब पर कि काफ़ी लोग होते हैं जो कि मूवीज़ को अपलोड करते हैं, सीरियल्स को अपलोड करते हैं, और उनकी खास बात तो ये कि उनके व्यूज़ भी आते हैं। तो यार व्यूज़ कैसे आते हैं, ये लोग व्यूज़ किस प्रकार से करते हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन मैंने भी ये ट्रिक अप्लाई करके देखा तो यार मेरे भी कम से कम 1 लाख प्लस व्यूज़ गए मैंने मूवीज़ को अपलोड किया, और बहुत अच्छा खासा वॉच टाइम भी मिला। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हो, मैंने एक मूवी अपलोड की थी कुछ इस प्रकार का, आपको दिख रहा होगा 1,30,000 प्लस मेरे यहाँ पर व्यूज़ गए इस वीडियो में, और कितने महीने में, मिनिमम 5 महीने में गए। लेकिन दुख की बात तो ये कि मैंने वो अपना चैनल उड़ा दिया एक तरीके से, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि ये वीडियो वायरल होगा, और मैंने ये उड़ा दिया था अपना चैनल। अभी हमारा ये चैनल है मेन चैनल, इस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, और मैं आपको बताऊँगा कि आप भी किस प्रकार से अपना मूवीज़ को अपलोड करके भी अपना अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स को गेन कर सकते हो, और उस पर आपको व्यूज़ भी आने वाला है, इतनी मेरी गारंटी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को भी दबा दे, और सीधे मोबाइल स्क्रीन की ओर चलेंगे और आप लोगों को समझाएंगे किस प्रकार से आप लोग अपना मूवीज़ को अपलोड कर सकते हो विदाउट कॉपीराइट, और आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इतनी मेरी गारंटी है। तो चलो मोबाइल स्क्रीन की ओर चलते हैं। आ चुके अपनी मोबाइल स्क्रीन की ओर, मैं आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार से मूवीज़ को अपलोड कर सकते हो और आपको विदाउट कॉपीराइट आए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने YouTube के अंदर। मैं पहले नेट ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर से मैं नेट को ऑन कर लिया हूँ, और आपको मैं दिखाता हूँ, जरा टॉर्च ऑन कर लेता हूँ, मैं अभी अंधेरे में हूँ। तो यहाँ पर मैंने टॉर्च ऑन कर ली, फिर आपको टॉर्च ऑन नहीं करनी, एक्चुअली मैं आया था इधर तो टॉर्च ऑन कर लिया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर सर्च बार पर, और सबसे पहले मैं आपको अपना चैनल दिखा देता हूँ आपको प्रूफ के साथ कि मेरा कौन सा चैनल है जिस पर वीडियो पर वायरल हुए थे, मेरी मूवीज थी वो वायरल की मैंने। यहाँ पर मैं चैनल पर क्लिक करता हूँ, और आप यहाँ पर देखेंगे ये मेरा जो चैनल है वो यहाँ पर ये चैनल आ रहा है। आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पर काफ़ी सारे व्लॉग्स भी डाले हुए हैं, और मूवी भी अपलोड की हुई है। तो आप ये देख सकते हो ये मूवी थी जो मैंने अपलोड की, और 1,58,000 व्यूज़ इस पर आए थे 8 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो अभी मैंने कैसे की वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको लिखना जैसे कि हॉलीवुड बॉलीवुड कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे कि मैं ये ले रहा हूँ हॉलीवुड मूवी इन हिंदी, ठीक है, ये मेरे आपको यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करता हूँ, सर्च पर क्लिक करता हूँ, और आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऑल एनीथिंग रख सकते हो, यहाँ पर दिखाई देगा क्रिएटिव कॉमन्स का, यहाँ पर आपको क्लिक करनी है, और यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद बहुत सारी आपको मूवीज़ यहाँ पर आप मिल जाएगी, तो सिंपली आपको इनमें से एक डाउनलोड कर लेनी है। तो आप डाउनलोड कर लेना, मैंने एक डाउनलोड करके रखी हुई है। तो मैं यहाँ पर से बाहर आता हूँ, बाहर आने के बाद मैं आपको चलना है काइन मास्टर की ओर, काइन मास्टर की ओर अपन लोग चलते हैं। सबसे पहले काइन मास्टर में जाने के बाद में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैं अपना यूट्यूब वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। यहाँ पर लेने के बाद में मैंने क्या करना है कि आप देखोगे मेरा जो मैं एक अपनी मूवी को ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ हूँ वो मैं यहाँ पर लेने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरे को मिल जाती तो, क्योंकि अलग फोल्डर में पड़ी हुई है और मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन से फोल्डर में अपनी वो मूवी थी वो मैंने रखी थी, ठीक है। तो मैं कोई भी मूवी यहाँ पर देखता हूँ, ढूंढता हूँ पहले, फिर आपसे मिलता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक मूवी लेकर रखी हुई है, तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, इस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ से बाहर आता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ ये कौन सी मूवी, आपको पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है तो अपन सिंपल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ऐसे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑप्शन, तो मैं बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पर कुछ भी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर से क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर बहुत बड़ा बॉक्स बना देता हूँ, मैंने बना दिया है यहाँ पर। आप इस पर क्लिक करते हैं, और जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये लगाना ही लगाना है, पर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो जैसे कि पूरी मूवी में लगाना, बहुत बड़ी मूवी है तो लंबा हो जाएगा मेरे को लगाना, तो आप लगा देना, फिर नीचे भी लगा सकते हो। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि ये मेरी मूवी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर, तो ये आ रही मूवी अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर वेट करता हूँ, यहाँ पर वेट करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद में आपको थोड़ा सा आगे आना है, आने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पर एक्शन सीन चल रहा है, थोड़ा सा रहने देना है, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर देना है। जूम कर दिया, फिर यहाँ से थोड़ा सा बाहर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते हैं वापस से, और थोड़ा सा ही लो तो अच्छा है, वरना ले सकते हो बड़ा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं अभी इसको थोड़ा सा जूम, ऐसा जूम कर दूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पर पूरा करना है, इसको ऑन करना है, और आप यहाँ से एडजस्ट कर देना म्यूज़िक को, ठीक है, म्यूज़िक को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में आप चाहो
जानना चाहो आपको करना ही पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने इसमें डाला हुई है, तो मैं आपको उसी पे एक एग्जांपल की तरफ से बता रहा हूँ, आप लोग को पूरी मूवी के अंदर करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा फिल्टर का ऑप्शन, बेसिक पर क्लिक करता हूँ और आपको इनमें से एक अच्छा सा फिल्टर दे के आपको लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये फिल्टर थोड़ा अच्छा लग रहा है, एडजस्ट कर दिया, अब ये पूरा फिल्टर पूरी मूवी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरह का आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा। तो आप यहाँ देखना, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया, देखिए डायरेक्टर बाय मी, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अभी ये मूवी आएगी। स्लो मोशन वगैरह मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, अभी थोड़े से यहाँ पर करेंगे तो आप देखो यहाँ पर बीच में लिखा हुआ आ रहा है डायरेक्टेड बाय मी। तो ये मैंने लिखा है क्योंकि डायरेक्टेड बाय मी मैंने इसलिए लिखा कि कॉपीराइट क्लेम आने के चांसेस इससे कम हो जाते हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और छोटा सा पार्ट लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं यहाँ से एडजस्ट करके थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ओके ऐसे। यहाँ पर अभी देखेंगे किस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो मैं आपको दिखाऊँ, आप इस प्रकार से थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके देखता हूँ, ठीक है। अभी आप देखना कि किस प्रकार से सीन होता है इसकी, आप देखेंगे कि तो ऐसा होएगा और ये अपने आप से बाहर आएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करने के बाद थोड़ा सा मूवी आपको लेनी है, यहाँ पर से करना है, करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और स्पीड थोड़ी सी स्लो रखना चाहो या बढ़ाना चाहो तो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर मूवी स्पीड है थोड़ी बढ़ा रहा हूँ ताकि इसकी वॉइस है तो चेंज हो जाएगी। फिर अगर मूवी के अंदर कोई भी गाना होता है या म्यूज़िक होता है वो उसको आपको सिंपली हटा देना, मूवीज के गाने आपको नहीं रखने में हाथ हाथ कॉपीराइट मिल जाएगा और चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करना है, बहुत ज़्यादा मूवी आधा एक घंटे की बन चुकी है तो अपन को ऑलमोस्ट एक घंटा या 50 मिनट के बाद देना है, इसकी मैं एक मिनट में जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद बीच में ये मेन चीज़ याद रखना, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अभी आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एडजस्टमेंट पर करना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर देना, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा रखना है ज़रूरी होगा वरना कॉपीराइट आने के चांस रहेगा, ये थोड़ा बहुत अपन को करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको मैं यहाँ पर वापस से मूवी के पीछे एंड में लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर करते हैं क्लिक, यहाँ पर टेक्स्ट लगाना, टेक्स्ट कैसे लगाना वो मैं आपको बताता हूँ, सब्सक्राइब यहाँ पर क्लिक करते हैं, छोटा रखे तो अच्छा होएगा पर बड़ा रख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये भी मैंने रेड कलर का पहले लगाया था, बस ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ था, ये मेरे पहले से एडिट की हुई है वीडियो, ठीक है, बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड पर इसको ऐसे टैप करना है और येलो कर देता हूँ, येलो चाहो या फिर अच्छा चाहो, अच्छा रहेगा, आपको जो एडजस्ट करे अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पर लगा दिया, अभी जैसे कि ये थे ना, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, बहुत पूरा करना पूरी के अंदर, ठीक है। अभी इसको एडजस्ट कर दो ताकि ज़्यादा दिखे, यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है ना। तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, पॉप पर करना है या कोई भी कर सकते हो, फेड वेड सो भी। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, अभी ये ब्लिंक करता रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे भी मूवी चलती रहेगी इस प्रकार से ब्लिंक करता रहेगा और हमारा जो कॉपीराइट आने का चांस रहेगा वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। और कॉपीराइट क्लेम का डिस्क्लेमर भी आप डाल सकते हो, और डिस्क्लेमर डालना जिससे कि कॉपीराइट क्लेम बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर आपको एडजस्टमेंट करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो, और भी ज़्यादा एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा आपको एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना, आप जितने आपकी चाहो यहाँ पर 4K 3D 3D 4D जितना भी लेना चाहो आप ले सकते हो, यहाँ पर करके एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट कर देना और आप वीडियो को अपलोड कर देना सिंपली। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और भी लोग होंगे जो सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहते हैं, अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर मिलनी चाहिए ये ट्रिक। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।